हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो बात को जरा समझ के चलना, थोड़ा सा दिमाग लगाना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं सारी चीज़ें नहीं बोल सकता। सिर्फ समझ के चलना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था कि वॉर 2 में जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन एक गाने में काम करने वाले हैं। एक गाना आने वाला है जो कि वॉर 2 में आप लोगों को दिखेगा, जिसमें NTR और ऋतिक दोनों डांस करते हुए दिखेंगे। और दोनों ही भाई अच्छे खासे डांसर हैं, दोनों का डांस आप लोगों ने देखा हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आगे बात करता हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ देर पहले, यानी कि आधा घंटा हो चुका है, एक यहाँ पर भाई न्यूज़ आई सामने। और मैंने जब देखा तो भाई मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा यार ये बात तो मैं ऑलरेडी 4 से 5 दिन पहले बता चुका हूँ और ये अब निकल के आई है। और देखो आई तो है, लेकिन वो जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है ना 4-5 दिन पहले, उससे थोड़ा सा और आगे की अपडेट आई है। यानी कि सॉन्ग वाली बात सच है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके आगे का एक अपडेट आया। और वो क्या आया वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग पे जोर डालना कि क्या यहाँ पे सीन चल रहा है। देखो यहाँ पे YRF इस टाइम पे अपनी फिल्मों को, खासतौर से YRF यूनिवर्स को, एक ऐसी चीज़ बनाने की सोच रहा है जिसका एक एक पहलू मज़ेदार हो। यानी कि आदित्य चोपड़ा अपनी वॉर 2 से एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक ऐसे सीन की जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा बड़ा सीन हो, जो कि पब्लिक को बिल्कुल भी मायूस ना करे। यानी कि जब पब्लिक वॉर 2 देख के बाहर निकले ना, और जब रिव्यूज़ चेक करें, या रिव्यूवर जैसे कि हम लोग आके रिव्यू देते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं यार बीच बीच में, यार वो आधे घंटे के बाद मूवी अच्छी निकलेगी, 15 मिनट के बाद मूवी डब गई थी, शुरू के 10 मिनट बोर करे, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। YRF इन्हीं चीज़ों पे दोस्तों काम कर रहा है। और अब आओ गानों पे। YRF अब सिर्फ मूवी की स्टोरी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गानों पे भी ध्यान दे रहा है, और गानों को इस तरीके से लेके चल रहा है कि आगे की, यानी कि आगे के यूनिवर्स में उससे एक उसको लीड मिले। ये समझ के चलना, मैं जब भी कह रहा हूँ दिमाग लगा के चलना, दिमाग से सोचना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिर्फ स्टोरी ही नहीं, गानों में भी, जैसे कि गानों के हम रिव्यूज़ देते हैं यार गाना अच्छा, जैसे कि अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के गाने आए थे, जब मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी तो हमने क्या कहा था, यार पहला गाना बहुत अच्छा था, दूसरा गाना बेकार था, तीसरा भी बेकार था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आदित्य चोपड़ा अपनी मूवीज़ के बारे में इतनी छोटी छोटी चीज़ें सोच रहे हैं, और वो ये सोच के चल रहे हैं कि जब हमारी कोई ऐसी चीज़ मार्केट में जाए और जब उस चीज़ का रिव्यू हो तो कोई रिव्यूवर हमारे कंटेंट को बुरा ना बोले, इवन गाने को, इवन प्रोमो को, इवन एडवांस बुकिंग को, किसी भी चीज़ को। तो इसी वजह से आयान मुखर्जी एंड यहाँ पे आदित्य चोपड़ा, ये दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन का इन लोगों ने मूवी के अंदर एक साथ में गाना डाला है, एंड वो उस गाने को दोस्तों इतने बड़े और ह्यूज लेवल पे लेके जाने की सोच रहे हैं, जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा गाना होने वाला है, बहुत बड़े स्केल पे गाना होगा, एंड दोनों का उसमें डांस होगा, एंड गाना होगा किस लेवल का, नाटू नाटू आपने देखा होगा, एंड जय जय शिव शंकर नाटू नाटू से सिमिलियरिटी के तौर पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों नाम इन जैसा कुछ गाना आप लोगों को मूवी में दे। अब देखो प्रॉपर यहाँ पे न्यूज़ तो मिल नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर न्यूज़ तो यहाँ पे मेकर्स के पास ही है, और ये सब चीज़ें अगर आप लोगों के सामने अभी से आ जाएं तो पब्लिक यहाँ पे क्यों जाएगी मूवी देखने। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, और ये मेकर्स के पास है भाई। ये उनके दिमाग की उपज अगर बाहर निकल के आ रही है और ये आप तक पहुंच रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए मेकर्स यहाँ पे मीडिया में बता देते हैं, वरना वो क्यों बताएंगे यार। पहले ऐसा कहाँ होता था, पहले हम लोग सीधा जाके थिएटर में मूवी देखते थे और उसके बाद हम पता लगता था कि यार ये भी है इस मूवी के अंदर। आज हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि यार इसका कैमियो है और उसका कैमियो है। अब आप ये सोचो कि जब आपको पहले से पता लग गया,
आप ये सोच के जा रहे हो कि आपका वो एक्टर है मूवी के अंदर, लेकिन जब कोई और मूवी देखने जाए और वो आपको आके बताए यार आपका भी एक्टर उस मूवी के अंदर है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो डबल और ट्रिपल बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें पता है क्या होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं ओपनिंग को बढ़ाने के लिए, यानी कि डे वन की ओपनिंग बढ़े, एडवांस बुकिंग हो, इतनी हो, ये हो, वो हो, हमारी मूवी उस मूवी से आगे निकल जाए, फलाना ढिमाका, ये सब चीज़ें। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें मैंने देखा है साउथ की मूवी में, ये सब चीज़ों को छुपाया जाता है। पुष्पा में इतने ज़ोर शोर तरीके से उसका जो है प्रमोशन जब होगा जब होगा, लेकिन भाई कितनी चीज़ों को छुपाया जाता है, कितने, अब देखना अब आगे जितने भी उसके कंटेंट आएंगे ना, आप लोगों को स्टोरी के नाम पे ना अगर इतना सा भी हिंट मिल जाए, इतना सा भी हिंट मिल जाए तो मेरे चैनल पे आके ना मुझे कुछ भी कह जाना, इतना सा भी हिंट मिल जाए। लेकिन आप बॉलीवुड की मूवीज़ में देखो भाई, सब कुछ खोल खाल के रख देंगे और उसके बाद इंतज़ार करेंगे थिएटर के बाहर खड़े होके कि पब्लिक कितनी आ रही है। तो पब्लिक क्यों आएगी, क्यों आएगी पब्लिक, जब आपने ऑलरेडी दिखा दिया है तो क्यों आएगी। यहाँ पे YRF यूनिवर्स इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है, वो पूरा यहाँ पे दोस्तों अपनी एक छवि बनाना चाहता है बॉलीवुड में कि हम एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस एंड यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो इसी लेवल पे दोस्तों ये लोग काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ यही एक एक चीज़ आपको वॉर टू की ऐसी दिखेगी कि आप लोग ये कहोगे कि ये कह नहीं सकते, ये कहोगे क्या, ये कह ही नहीं सकते हो कि हमें ये सीन अच्छा नहीं लगा। भाई एक एक सीन को इतने खूबसूरत तरीके से अयान मुखर्जी लिख रहे हैं एंड बना रहे हैं जिसका जवाब नहीं है। और हम लोग जब ये सोचते थे यार वॉर टू एक्शन मूवी है, यार अयान मुखर्जी नहीं यार, ये बंदा क्या कर पाएगा, ये तो रोमांटिक डायरेक्टर है, नहीं यार ये तो तमाशा वगैरह जैसी फिल्में बन, ये कर ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ वो बंदा कर रहा है, और वो क्या बना के निकलेगा ना तो सिद्धार्थ आनंद भी उनकी पीठ थपथपाएंगे कि बेटा ये तूने क्या बना दिया। लिटरली दोस्तों मैं आपके बात कर रहा हूँ ये डायरेक्ट आंखों में आके डाल के, ब्रह्मास्त्र आप जाके देखो उसमें किस लेवल का एक्शन डाला, किस लेवल का VFX अयान मुखर्जी ने रखा, तारीफ के काबिल था। और ये दोस्तों एक हिस्ट्री में नाम आ जाएगा अयान मुखर्जी का, और ये उनके खुद के लिए डायरेक्शन में खुद के लिए अपने ऊपर एक लेके चले हैं कि मैं इस मुकाम पे लेके पहुँचूँ इस मूवी को जिसमें मेरा नाम भाई लिस्ट में 7वें या 8वें नंबर पर हो डायरेक्शन में इंडिया के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अयान मुखर्जी ने ज़िम्मा उठाया है तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि वो बंदा अपने इस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से यहाँ पे निभाएगा, और वो कर रहा है, और वो जिस तरीके से लेके चल रहा है ना भाई, वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। और जब आप देखोगे ना इस मूवी को तो आप यही कहोगे कि यार बेस्ट डायरेक्टर है, इसको अवार्ड मिलना चाहिए 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का वॉर टू के लिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात, क्योंकि बंदा यहाँ पे गायब है, गायब है। जब से इस मूवी की शूटिंग शुरू हुई है मैंने अभी तक उस बंदे को सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी करते हुए नहीं देखा है, ना ही मैंने उसको कहीं खड़े हुए देखा है, ना ही आते जाते देखा। इतनी पार्टीज हुई, इतना यहाँ पे अवार्ड फंक्शन हुए, मैंने ही नहीं देखा भाई उसको। तो ये चीज़ होती है भाई अपने काम में पूरे तरीके से उतरा रहना, दिमाग में सीन चल रहे हैं, दिमाग में काम की उलझन है, यही चीज़ आदमी को आगे लेके जाती है। और मैं आपको दोस्तों कह सकता हूँ कि ये बंदा 2025 में बहुत नाम कमाने वाला है, बहुत नाम कमाने वाला है, ये मेरे से लिख के ले लो। फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।